नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इस चावल को मैंने कैसे बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल डाला है और तेल को थोड़ी गर्म होने देंगे। तो हीट आने लग गई है, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हमें थोड़ा सा मूंगफली डाल देना है और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे मूंगफली को। तो मूंगफली हमारी भुज गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं और गैस को थोड़ा सा धीरे कर लेंगे, नहीं तो जल जाएगी। और इसे हमें निकाल लेना है इस तरीके से। और अब इसमें हमें डाल देना है हरी मिर्च, जीरा, थोड़ा सा इसे इस तरीके से चला लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे हमें भून लेना है। और अब यहाँ पे डाल देंगे हम 3 हरी मिर्च को इस तरीके से लंबे शेप में काट लिया है वो, और इसे इस तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, तो आप कभी भी इसे बना करके खा सकते हैं। रात का चावल बच गया तो आप सुबह बना लीजिए, सुबह का बच गया तो रात को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट से बन जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हल्की फुल्की भूख में क्या बनाएं सोचते रहते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि ये चावल तल लें और बना लें और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देख लीजिए, टमाटर भी हमारा गल चुका है और प्याज भी अच्छी तरीके से पक गई है। तो हमें इसमें और मसाले कुछ भी नहीं डालना है। और अब हम डाल देंगे ये चावल, तो इसे हमने मैश करके रख लिया था। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली जो हमने तल करके रखी है वो, और इसे भी मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी चावल पक कर के तैयार हो गया है। और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ी सी धनिया की पत्ती इस तरीके से, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो धनिया की पत्ती अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया इससे टेस्ट आता है। तो इसे हम तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।